जो रिलेटिव मोशंस का जनरल फॉर्मूला है कैसे है वो डिस्कस करता हूं। तो लेट्स देयर इज अ फ्रेम एस और एक दूसरा फ्रेम है एस डैस, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड का फ्रेम हो गया समझने के लिए, और ये सपोज ट्रेन का फ्रेम, और यहां पे कोई पार्टिकल पी है। इस पार्टिकल पी का मोशन हमें ऑब्जर्व करना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां पे इसका ओरिजिन को ओ लिख लेते हैं, इसके ओरिजिन को ओ डैस, और मैं एस फ्रेम से अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं, सो दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ओपी वेक्टर को बोलो बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस, इज इट क्लियर? कोई तो बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, ओडेस पी को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, बोलो देवेंद्र। राइट, क्लियर? यस सर। और इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, ओ ओ डैश को पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू एस। अच्छे से डायग्राम पर ड्रॉ करो, और मुझे ना ये तीनों वेक्टर में क्या रिलेशन है वो लिखना, क्योंकि सर बहुत ही सिंपल सा है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ट्रायंगल रूल से ओ ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लेता हूं, इसको पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश प्लस पोजिशन वेक्टर ऑफ इसको लिख लिया एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। आई होप कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको बाद में एक बार और बताऊंगा, मतलब बताऊंगा नहीं, एक बार और इसका यूज में आएगा ये। दिशा क्लियर? ये दिशा शेला फ्लाई कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्या हो गया ऐसा, क्यों नाराज हो गया यार तुम लोग? सर कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए ना। कैमरा ऊपर करूं ऐसे? अच्छा ये पोजीशन वेक्टर का होगा, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलता है, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी? चलो इसमें तो जवाब वेलोसिटी। वेलोसिटी बहुत टफ जवाब दिया, तो टफ सवाल का जवाब दिया। चलो बच्चों, तो डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे लिख लोगे बच्चों ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस, velocity of p with respect to s dash plus velocity of s dash with respect to s। अच्छा एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
अब यहाँ पे पैटर्न समझना बच्चों, सारे बच्चों ने लिख लिया, देखना यहाँ पे कोई भी एक ले लो, पी स्टार्ट में और एस लास्ट में, पी का एस के रेस्पेक्ट में, क्या देखना, पी का एस डैश के रेस्पेक्ट में, फिर एस डैश का एस के रेस्पेक्ट में, काइंड ऑफ चेन रूल जैसा, पी स्टार्ट में एस लास्ट में, पी स्टार्ट में एस लास्ट में, इज इट क्लियर? फॉर्मेट समझ में इन फैक्ट अगर हम यहाँ पे तो दो फ्रेम दिया, तीन चार फ्रेम को भी रिलेट करना है ना, सो यू कैन रिलेट बिकॉज तुम लोगों ने चेन रूल पढ़ लिया, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, ओके नहीं? तो अगर मैं ऐसे बोलूं बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो ए लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी, सपोज को ऐसा लिया बी, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, और ये भरना है तुम्हें, क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या बात है, हमने जो कहा कि ब्रिलियंट हो तो तुमने प्रूव कर दिया, यस, पी स्टार्ट में ए लास्ट में, तो ए लास्ट में, क्लियरली समझ में आया? यही ओरिजिनल रिलेटिव मोशन का यही फॉर्मेट है, नहीं कहोगे सर आपने इसके पहले जो पढ़ाया था वो तो गड़बड़ पढ़ा दिया क्या, आपने तो कुछ ऐसा पढ़ाया था पहले, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए जी माइनस वी बी जी, लेकिन यहां देखना ये वाला फॉर्मेट नहीं, ए और बी है तो वी ए माइनस बी बी, इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं, तुम कहोगे सर आपने यहां माइनस दिया, यहां पे प्लस बता रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं बता रहे हो, तो मैं देखो ऐसे लिखूं क्या इसको, इसी को अगर ऐसे लिख लिया तो इसी फॉर्मेट पे आ जाएगा कि नहीं, ए स्टार्ट में जी लास्ट में, जी लास्ट में, यस सर, आपने भी पढ़ा था वो गलत नहीं था, दोनों सेम ही चीज है, इसको देखो कैसे लिखा था और इसको देखो कैसे लिखा था, कैसे लिखा हूं? ये चेन रूल है, इसको देखो दो तीन चार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए लास्ट लेक्चर में ना तीन का फ्रेम था तो हमें थोड़ा लिखने में दिक्कत हुई थी, एक सवाल जो हमने किया था थोड़ा मुश्किल हुआ था, है ना, क्योंकि मैंने सिर्फ यही पढ़ाया था, लेकिन जब हमने ये पढ़ा दिया तो अब वहां पे तुम कर सकते हो, तो ये फॉर्मेट मिटा दो इसको, सर दो मिनट, ठीक है फटाफट लिख लो यार, तब तक रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, ऐसा ही कुछ एक सवाल लेते हैं, लेट्स देयर इज अ ट्रेन, एक ट्रेन है विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, एक आदमी है बच्चों, ये इस पे सपोज इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, सपोज ये वॉक कर रहा है, ठीक है, तो अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हम लिख पाएंगे बच्चों, अगर ये दोनों दिया हुआ है तो लिखेंगे मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन और कौन सा फ्रेम ले, ट्रेन, ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन लिख सकते हैं, समझ में आया क्या रिलेशन, वैसे ही बच्चों अगर सपोज इज ए रिवर और लेट्स वाटर इज नॉट फ्लोइंग, वाटर इज नॉट फ्लोइंग, स्टिल वाटर है, मतलब सपोज रिवर के जगह पे पॉन्ड है, तालाब है, तो और तुम यहाँ पे ना स्विम कर रहे हो, तो पानी में तुम स्विम करो सपोज 4 किलोमीटर पर आवर से, पानी में तुम स्विम कर सकते हो 4 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन सोचो कि देयर इज अ रिवर और रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन with some velocity vr that is equal to suppose 2 km per hour, 2 km per hour, ab batao isme tum idhar swim karo tumhara velocity of man with respect to ground kya ho jayega,
तुम नेट किस स्पीड से आगे जाओगे? 6 किलोमीटर पर आवर। कैसे वो बताता हूँ? देखो बच्चों, ये रिवर जो है तुम एग्जैक्टली जो स्विम कर रहे हो ना, वो वाटर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ये जो वेलोसिटी मैंने दिया ना कि स्टिल वाटर में तुम्हारा ये वेलोसिटी है, इफ रिवर इज फ्लोइंग, तो उस वाटर के रिस्पेक्ट में तुम्हारा कितना होगा वेलोसिटी? इतना होगा वाटर के रिस्पेक्ट, ठीक है? तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इन दोनों को समेशन करोगे तो ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? ये फॉर्मूला सा है, बट मैं तो चाहता हूं तुम कॉमन सेंस से समझो पहले कि द होल मीडियम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तुम आराम भी फरमा रहे हो तो भी 2 किलोमीटर से तो आगे जाओगे, है ना? आ रही बात समझ में? और अगर yes. तुम पर स्विम करना शुरू किया तो ये 2 और ये तुम्हारा 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 6। लेकिन सोचो अगर दिया था, नहीं रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, अब पूछता है कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है? 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? फॉर्मूला भी लिखने आ गया, इसमें VMR हो जाएगा 4i का और VRG हो जाएगा -2i का, ऐसे लिखने हैं। लेकिन कॉमन सेंस से पहले समझो और फॉर्मूला को समझ ही जाओ। सर अभी जो बोला वो रिपीट कीजिए ना। क्या फिर से रिपीट करूं? वो माइनस वाला सर। ठीक है बता देता हूँ यार, दोबारा बता देता हूँ। सपोज रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी आर एंड ए मैन कैन स्विम इन दिस रिवर विथ वेलोसिटी वीएम। बच्चों रिवर का फ्लो कर रहा है तो इसको बोलते हैं बच्चों डाउन द स्ट्रीम। रिवर के फ्लो को डायरेक्शन क्या बोलेंगे? डाउन द स्ट्रीम। और रिवर के फ्लो के अगेंस्ट को क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, हाँ, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अगर मैंने बताया कि इफ यू आर स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां पे बैठा हुआ तुम्हारा दोस्त क्या वेलोसिटी देखेगा? व्हाट वेलोसिटी ही विल ऑब्जर्व? सो ये जो वेलोसिटी बच्चों, ये एग्जैक्टली वाटर के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसको बोलेंगे रिवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस स्पीड से जा रहा है। अगर हम फॉर्मूला वाइज जाए VMR plus VMR formula से और plus VRG, M start में G last में, M start में G last, इसी को मैंने कहा common sense से समझो यार कि अगर तो swim नहीं भी कर रहा तो ये VRG से तो इधर जाएगा river उसको flow के ले जाने, और अब swim करना शुरू किया तो ये हो जाएगा, तो दोनों का velocity add हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर suppose ऐसा होता सेकेंड केस, ये हो गया वी आर सी इधर और मैन स्विम कर रहा इधर वी एम आर, है ना? मान लो इस डायरेक्शन को ले लेते हैं आई कैप, इस डायरेक्शन को, तो वी एम जी इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे बच्चों? बट इज वी एम जी, तुम लिखोगे सर वी एम आर वेक्टर प्लस वी आर जी वेक्टर, इज इट क्लियर? सपोज वी आर जी जो है 3 किलोमीटर पर आवर है, लेट्स 3 किलोमीटर पर आवर है, और वी एम आर जो है वो सपोज 5 किलोमीटर पर आवर है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा वी एम आर को? क्या लिखूंगा बच्चों? 5 i कैप या 5 माइनस i कैप? माइनस i कैप। चार्जी को लिखेंगे 3 i कैप,
क्या हो जाएगा, टू माइनस आई का, इज इट क्लियर? यहाँ पे अगर ये फाइव टाइम लिखा तो यहाँ पे बताओ वीएमजी इस केस में कितना हो जाएगा, फाइव आएगा तो क्या हो जाएगा, तो हाँ इस केस में एट से आगे जा रहा है और यही जब वापस आ रहा है तो कितने से वापस आ रहा है, दो से वापस आ रहा है। बोलो ये क्लियर क्या? यस सर। तो एक सवाल ले ले बच्चों। यस सर। बीबर है सपोज, और एक मैन यहां पे एक सपोज स्टेशनरी शिप है, एक दूसरा शिप यहां पे है, ये भी रुका हुआ है। देखते हो कभी जैसे मुंबई में जाओ तो शिप सब रुके रहते हैं, अपने जगह पर फिक्स कर दिया जाता है। गणेश मेरा बैग हो गया ऊपर। हाँ सर लेके लेकर फैकल्टी में, शायद फैकल्टी रूम में होगा या कहीं खोलना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। सर दो सिप रुके हुए बच्चों है ना, सोचो एक आदमी क्या हुआ, यहाँ पे एक आदमी है जिसको बी पे जाना है और दिस रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी आर, ठीक है, और एक मैन यहां से चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में वीएम से, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड वीएम। अब इसको क्या करना है, इसको यहां से यहां जाना है और फिर वापस आना है, आई बात समझ में, दोनों के बीच का डिस्टेंस है एल। ए मैन कैन स्विम still water with the speed v m, river is flowing with the speed v r, hai na, we are from A to B, direction kya flow ka, A to B, the man has to go from A to B and then return back to A. Find total time of journey. सबसे पहले ये बताओ कि सवाल समझ में आया क्या? अभिषेक कुंभर गोविंदा शराब ने तुम्हारा ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, तो सुन नहीं पाया होगा। अपेक्षा तू क्यों नहीं सीरियल नंबर से ज्वाइन है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। यस गोहिल कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो क्या यहाँ पे? हाँ सर वो स्विम इन के बाद क्या है फर्स्ट लाइन में? A man can swim in still water, मतलब water is not flowing. Yes, बस उतना ही। With a speed vm, ना ये full stop. River is flowing with a speed vr from A to B. मैंने diagram भी दिखा दिया बच्चों. The man has to go from A to B and then return back to A. Find total time of journey. ठीक बच्चा एक काम करते हैं, इसका
जाते समय टाइम लगा है सपोज टी वन और आते समय टाइम लगा है टी वन को बोल सकते हैं बच्चों कि इसको जाना है एल डिस्टेंस और क्या स्पीड था इस समय क्या वेलोसिटी से जाएगा वो वीएम प्लस वीआर वीएम प्लस वीआर क्या बात है बहुत ही ब्रिलियंट ये चला गया इसको रिवर ने हेल्प किया जल्दी पहुंचा देगा बच्चों लेकिन जब इस आ रहा था वापस तो क्या होगा माइनस वीएम माइनस वीआर सो L और बच्चों ये आना Vm से बट रिवर इसको ले जाएगा Vr इधर तो लेट ये कितना किस वेलोसिटी से इधर आएगा Vm माइनस Vr Vm माइनस Vr T2 तो बता ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी बता सकते हो क्या जोड़ दो L 1 by Vm प्लस Vr प्लस 1 अपॉन ठीक है एल वी आर कैंसिल हो जाएगा वी आर कैंसिल हो जाएगा टू वी एम अपॉन टू वी एम वी एम वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर कितना लिख लिया बच्चों सर वो टी वन प्लस टी टू रहने ठीक है इसको तो लिखना तो समझाना है ना ये बच्चों को बड़ा तकलीफ देता है अगर अच्छे से नहीं समझे तो बट बच्चा जो ध्यान से सुन लेगा उसको इस टाइप के सवाल बहुत आसान लगेंगे सो पूरा अभी ध्यान से सुनना बच्चों मेरा लेक्चर अभी तक तो हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी स्टार्ट करूंगा रिवर माइंड टाइप बोलते हैं कहानी यही है अभी हमने वन डायमेंशनल मोशन दिया रिवर भी इधर फ्लो कर रहा था सुन भी इधर कर रहे थे बट एक्चुअली हमें सवाल ऐसे करने हैं कि सपोज रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे और तुम्हें क्रॉस करना है रिवर को क्रॉस करना है स्विम कर या बोट है तो बोट को क्रॉस करना तो इस टाइप के सवाल लेंगे जहां पे रिवर और मैन या रिवर और बोट होगा या ऐसा ही सवाल बच्चों ये भी होगा कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग और विंड इज ब्लोइंग तो विंड भी एरोप्लेन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है हाँ? जैसे तुम्हारे तुम अगर स्विम करोगे तो तुम्हें ये इफेक्ट डालेगा रिवर का फ्लो तो अभी तो हम लोग एक चीज समझ ही लिए कि बच्चों एक वेलोसिटी होगा रिवर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक होगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और एक होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तीनों टर्म क्लियर और तीनों में रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों वी आर सॉरी वी एम जी इज इक्वल टू वी एम आर प्लस वी आर जी मतलब वी एम जी मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर का एडिशन है बच्चों अगर तुम ध्यान से सुनना लेट्स रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे और अब टू डायमेंशनल का रिलेटिव मोशन देखा हूं मैन जो है वो वाटर में ऐसे यहां पे देखा कि इधर स्विम करना कि ये हेड किया इधर स्विम करना ये हो जाएगा वीएमजी रिवर ऐसे फ्लो करना है तुमने यहां से स्टार्ट किया स्विम करना कि तुमको यहां पहुंचना है यू स्टार्टेड टू स्विम इन दिस वे क्या बच्चों यहां पहुंचोगे कि तुम्हारा वेलोसिटी दिस प्लस दिस कुछ इधर हो जाएगा कुछ अलग अलग जगह पहुंच जाओगे बोलो बच्चों अगर तुमने इधर स्विम करना शुरू किया बी पर पहुंच बी पे पहुंच जाओगे क्यों
तुमने तो स्विम करना इधर शुरू किया, बट रिवर का फ्लो जो है तुम्हें लेके चला जाएगा इधर, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी बच्चों देखना वन डायमेंशनल अभी है या टू डायमेंशनल है, ये जो मोशन है टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, करते हैं कि नहीं। हम लोगों ने पहले भी कैसे डिस्कस किया था वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ भी बच्चों हम लोग दो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। एक डायरेक्शन को बोलेंगे बच्चों, मैं बोलूंगा अलोंग द रिवर, मतलब आइदर फ्लो के डायरेक्शन में या अपोजिट, मतलब एक डायरेक्शन ही होगा। और एक डायरेक्शन जो होगा बच्चों इसको मैं बोलूंगा अक्रॉस द रिवर, ओके, अक्रॉस रिवर के क्रॉस। दो डायरेक्शंस क्लियर, दोनों कैसे है अभी परपेंडिकुलर। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर इस आदमी को क्रॉस करना है रिवर को तो इसका डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये विड्थ डब्ल्यू है रिवर का, इफ मैन हैज टू क्रॉस द रिवर ही मस्ट हैव डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू अक्रॉस द रिवर। समझ में आ रही बात। अगर ये रिवर का लेट्स की 200 मीटर है तो इसका इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर होना चाहिए कि नहीं क्रॉस करना। yes, लेकिन अलोंग द रिवर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अगर क्रॉस करना रिवर क्या कहते हैं इस बैंक से दूसरे बैंक जाना है तो इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर तो होना ही चाहिए, है ना। yes, sir. तो अभी जो वेलोसिटी है, नील फोड़ कर म्यूट कर लो। सर आपने अभी क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं? मैंने बताया नील कि इफ मैन हैज टू क्रॉस द रिवर ही मस्ट हैव डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू अक्रॉस द रिवर, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्रॉस करने के लिए इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैटर नहीं करेगा अलोंग द रिवर। अब आदमी को अभी ना फिजिक्स नहीं पढ़ाता किसी ने, नील ने सब कुछ फिजिक्स नहीं पढ़ा, और क्या किया इसको यहाँ क्रॉस करना था, इसने इधर स्विम करना शुरू किया, और जब इधर किया बच्चों तो ये यहाँ नहीं जाके यहाँ पहुंच गया, तो जाना था यहाँ पहुंच गया यहाँ, तो ये दूर जो चला गया, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, इसका नाम है बच्चों ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब रिवर ने उसको इस डायरेक्शन में मूव करा दिया, ड्रिफ्ट करा दिया, लेके चला गया। तो ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, अलोंग द रिवर या अक्रॉस द रिवर? अलोंग द रिवर। ड्रिफ्ट के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा बच्चों, अलोंग द रिवर वाला या अक्रॉस द रिवर वाला? अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर ड्रिफ्ट के लिए। और जब हमें क्रॉस करना है तो उसके लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा? क्रॉस द रिवर। क्रॉस द रिवर क्लियर। बस इतना ही मुझे चाहिए बच्चों, तुम लोगों से इतना ही चाहिए, ये क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर क्या? यस सर। हमें क्या करना है, इसके मोशंस को दो पार्ट में बांट देना। तो लिख लो, मैन विल क्रॉस, मैन हो या बोट, मैन विल क्रॉस द रिवर बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर, जो भी कंपोनेंट है अक्रॉस द रिवर। द मैन विल हैव ड्रिफ्ट, मैन विल हैव ड्रिफ्ट because of its velocity किधर along the its velocity मतलब ground के रेस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी का मान कर, नेट वेलोसिटी की बात कर। लाइक बच्चों ने वेक्टर में ऐसे रिजल्टेंट इधर दिखाया, बस मोस्ट में ब्रेक करके सॉल्व करना ज्यादा प्रीफर करूंगा।
तो हम पहला केस ले रहे हैं, बच्चों ध्यान सुना, ये स्विम कर रहा है इधर, ही इज हेडिंग इन दिस डायरेक्शन बट गोइंग इन दिस डायरेक्शन, क्यों इधर जा रहा है, बिकॉज़ एक बार उसको ले जा रहा है, दिस इज द नेट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी ये था वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे स्विम कर रहा है रिवर के रिस्पेक्ट, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रहा है इधर, क्लियर ना? Yes, sir. तो पहला केस ले रहा हूं बच्चों, इफ मैन हेडिंग परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, या मैन स्विमिंग परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, ठीक है ना, तो लेट्स विड्थ इज द W, कितना टाइम लगेगा बच्चों इसको क्रॉस करने में, तो मैं इसके नेट वेलोसिटी को, बच्चों मैं नेट वेलोसिटी को नहीं देखा कि इसके पार्ट वाइज देखा, एक वेलोसिटी ये और एक वेलोसिटी ये, इज इट क्लियर, ऑलरेडी कंपोनेंट में ब्रोकन है, रिजॉल्व है, तो टाइम बता सकते हो बच्चों की W डिस्टेंस चलना है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी VMR है, तो ये हो जाएगा टाइम, होगा क्या, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन इस डायरेक्शन का नेट वेलोसिटी, यस सर, कोई कह रहा है सर इस केस में बताओ कि ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट जो कि मैं ओडेस बी अभी दिखाया हूं डायग्राम में, ड्रिफ्ट कितना होगा, तो तुम कहोगे सर ड्रिफ्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, अलोंग द रिवर वीआरजी अपॉन वीएमजी, ड्रिफ्ट के लिए ही है, तो ड्रिफ्ट क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम बच्चों, अलोंग द रिवर का वेलोसिटी, अलोंग द रिवर ही वेलोसिटी, सो ड्रिफ्ट बच्चों मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत आराम से बता दोगे, ये हो जाएगा, बता दोगे क्या, अब ये कंसेप्ट ना और क्लैरिटी कब आएगी, जब मैं एक सवाल ले रहा हूँ, सर एक समझा नहीं कि अगर मतलब टाइम वो टू क्रॉस द रिवर है ना, तो ड्रिफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो, ड्रिफ्ट तो तभी तक होते रहेगा ना, ड्रिफ्ट तो तभी तक होते रहेगा ना आयुष पवार, जब तक वो पानी में, जब पानी से बाहर निकल जाएगा तो रिवर क्या कर लेगा तुमको, फ्लो कराएगा क्या, बैंक पे आ जाओगे तब भी तुझे ड्रिफ्ट कराएगा क्या, बोलो, टाइम तो वही लगेगा ना यार, रिवर से बाहर निकल गए तब थोड़ी ड्रिफ्ट होगा, आई बात समझ में, नहीं आई, यार तुम इधर स्विम कर रहे हो तो ड्रिफ्ट इधर करा, लेकिन जब तुम यहां से पानी से बाहर निकल गए तो आ गए ना, नहीं मतलब टाइम वो इधर मतलब एक मिनट तो टाइम तो वही लगेगा ना, कितने टाइम तक तुम इधर जा रहे हो, तो टाइम तो सेम ही रहेगा ना दोनों के लिए, जितने टाइम में तुम यहां से यहां क्रॉस किए उतने ही टाइम तक तुम ड्रिफ्ट भी हो रहे हो ना, उसके बाद तो बाहर निकल गए, जैसे मैं अगर करता था सवाल प्रोजेक्ट टाइम देखना, कितना आसान सा सवाल है, कि जब हमने थ्रो किया था हमने बोला था कि इधर से इधर आने का टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम हाइट गया ये गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u/g आया था, तो जितने देर तक ये हवा में रहा उतना ही देर तक ये आगे गया ना, तो रेंज कैसे बताया था, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था क्या, इधर का डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम दोनों में सेम लिया कि नहीं, जब तक हवा में रहा तभी तक तो आगे बढ़ते रहा, उसको तो ग्राउंड को हिट कर देगा,
बोलो यस क्लियर और नॉट क्लियर आयुष को क्लियर हो गया अब मैं क्या करता हूँ केस लेता हूँ मैं जनरल केस ले रहा हूँ कभी कभी मैं स्पेशल ही लेता हूँ बट भी जनरल केस ले रहा हूँ सो दैट कि तुम्हें समझ में आ जाएगा क्योंकि आयुष ने को मुझे लगा क्लैरिटी नहीं आई है मान लो तूने स्विम करना शुरू किया बच्चों यहां से थीटा एंगल मन क्या थोड़ा पिकनिक मनाते हैं मन क्या तुम्हें कि यहां जाना है कहां जाना है यहां तूने सोचा कि ऐसे जा ऐसे देखते हूं तूने स्विम करना शुरू किया ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर लेकिन क्या तुम इधर जाओगे क्या तुम्हारा ये वेलोसिटी भी तो है रिवर भी तो इधर ले जाएगा तो तुम्हारा मेन नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोनों का समेशन Vm r plus इस मतलब this vector plus this vector is it clear तो actually मैं तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ पे cross करोगे ये हो जाएगा तुम्हारा तुम चाह रहे थे यहाँ जाना चूंकि इस direction में head कर रहे थे but you will reach here अगर मुझे निकालना है कि how much time you will take to cross the river बच्चों इस मैन का ना दो वेलोसिटी एक ये और एक ये ग्राउंड पे स्पीड है ना दोनों का समेशन है दिस इज वीएमजी तो मैं इसको ना इसको रिजॉल्व कर लेता हूं वीएम वीएमआर कॉस थीटा और वीएमआर साइन थीटा इज इट क्लियर वीएमआर को रिजॉल्व कर लिया वीएमआर कॉस थीटा और वीएमआर साइन थीटा वीएमआर कॉस थीटा इधर बोलो बच्चों यहां तक क्लियर यस सर और रिवर का वेलोसिटी को रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या वो तो अलोंग एक्स एक्सिस है तो बताओ मैन का जो नेट वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर वो कितना है वीएमआर कॉस थीटा या वीएमआर साइन थीटा अक्रॉस द रिवर वीएमआर साइन थीटा वीएमआर साइन थीटा तो मैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा बच्चों इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन इस डायरेक्शन का वेलोसिटी एक लाइन समझ में आ गया तो पूरा कंसेप्ट क्लियर बोलो ये क्लियर क्या बोलो देवेन yes. अरे इधर का डिस्प्लेसमेंट के लिए इधर का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा दैट्स इट क्या आता है बेड से क्लियर यस सर चैतन्य अहिरे नहीं चिरायु अहिरे चिरायु यस सर अच्छा अगर ये टाइम समझ में आ गया तो मुझे कोई बताए कि वेलोसिटी अलोंग द रिवर कितना है अभी कितना है वेलोसिटी अलोंग द रिवर मैन का तुम कहोगे सर दो है VMR cos theta भी है ये वाला और ये भी है ना रिवर में तो ले जा रहा है ना क्या कह सकते हैं दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग द रिवर अलोंग द ग्राउंड होगा ना अलोंग द रिवर मतलब फ्लो के डायरेक्शन अलोंग द ग्राउंड तो ग्राउंड टू सर ब्लर दिख रहा है क्या ये क्लियर यस सर तो ये बच्चों अगर नेट वेलोसिटी अलोंग द रिवर है यही वेलोसिटी ड्रिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना
तो ये जो ड्रिफ्ट एल होगा ये एल कितना होगा? ओके सर, नेट वेलोसिटी है ये वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर जी है ना। तो ये नेक्स्ट जो ड्रिफ्ट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर जी इंटू टाइम। टाइम कितना लगेगा? अभी आयुष ने बताया कि सर डब्ल्यू अपॉन वी एम आर साइन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? यस सब सवाल ऐसा दे दिया। देखो ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, तुम लोग सारे बच्चे इसको सही सही सॉल्व करोगे। एक रिवर है जिसका विड्थ दे दिया है 1 किलोमीटर और एक आदमी है जो स्विम कर सकता है 5 किलोमीटर पर आवर से। 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और इसको इसने स्विम करना शुरू किया किधर? इधर अक्रॉस द रिवर से कितना एंगल पे? 37 पे। और रिवर भी फ्लो कर रहा है। रिवर का जो फ्लो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है इधर। बच्चों ये निकालना है इसको कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में और इसको ड्रिफ्ट इसका कितना होगा, दैट मीन्स ये किस पॉइंट पे क्रॉस करेगा। ये दोनों निकालना बच्चों, 1 मिनट का टाइम है, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, निकाल लोगे। आयुष पवार क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है तो म्यूट कर लो। तो आई थिंक अपेक्षा बोल रही थी 1/3 1/4 आ रहा है। फॉर्मूला नहीं रखना है। क्या मैंने बोला? फॉर्मूला नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। सो इसका 2 कंपोनेंट बच्चों 5 cos 30। तो जो क्रॉस करेगा वो टाइम लेगा W अपॉन 5 cos 37। बोलो ये समझ में आया ना? यस सर। किलोमीटर पर आवर है ना, ये 5 1/4 क्या जाएगा आवर? एक घंटा 1/4 15 मिनट लगेंगे। सर मुझे नहीं समझा। ड्रिफ्ट 7/4 किलोमीटर आ रहा है। सर ये cos थीटा वाला नहीं समझा। रितिका तू ना नींद में सो रही होगी। इसका 2 वेलोसिटी रितिका, एक इधर और एक इधर। रिवर को क्रॉस कौन वेलोसिटी कराएगा? ये कंपोनेंट ना। यस सर। तो ये कितना होगा? 5 cos 37 जिससे थीटा उधर cos। यस सर। तो कहां नींद में थी? अभी तो बता रहा था यहाँ पे। देखो यहाँ पे पिछले साल मैंने ये एंगल दिया था, इस बार ये एंगल दे दिया। रिजॉल्व करना है 1/4 आवर। बच्चों ड्रिफ्ट पूछा है, ड्रिफ्ट
क्योंकि सर ड्रिफ्ट जो होगा इसका इधर का वेलोसिटी हो जाएगा दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा 3 और इसका भी कितना हो जाएगा बच्चों 5 sin 37, ये भी 3 हो जाएगा बच्चों 6 किलोमीटर पर आवर। और कितना देर चला है 1/4 आवर चला है, हो गया 6 किलोमीटर पर आवर × 1/4 आवर, आवर चला जाएगा कितना बचेगा 6/4, दैट मीन 3/2 किलोमीटर। ये बच्चों चला जाएगा इधर कितना 1.5 किलोमीटर बच्चों इधर चला जाएगा दूर। आई बात समझ में? Yes, sir. इतना आसान सा ये टॉपिक है, दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देना है, यही तो हम लोग पढ़े प्रोजेक्टाइल में भी यही पढ़ा। तो केस 3 ले रहा हूं मैं, चलिए हमेशा केस 2 में ही लेता हूं बट अभी केस 3 ले रहा हूं। तो इसको ना ये फिजिक्स पढ़ लिया है, अभी तक पढ़ लिया, ओ से इसको जस्ट अपोजिट पॉइंट पे क्रॉस करना है, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे क्रॉस करना है। इसने देखा कि अगर हम इधर स्विम करेंगे तो हमें तो रिवर इधर लेके चला जाएगा, यहां पहुंच जाएंगे, बट मुझे तो वहां नहीं जाना। अब बताओ बच्चों क्या करेगा ये आदमी, ये कुछ इधर स्विम करेगा, इधर ये इसलिए इधर स्विम करेगा कि इसका दो कंपोनेंट बच्चों, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, लेट्स दिस इज थीटा, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा वी एम आर, मैन ऐसे स्विम करेगा और रिवर इसको इधर ले जाएगा और ये इतने एंगल पे स्विम करे कि दिस प्लस दिस जो हो जाए ये हो जाए, मतलब नेट वेलोसिटी ये हो जाए, नेट वेलोसिटी इधर हो जाए, तो ये नेट इधर है तो ये ऐसे जाके यही क्रॉस करेगा, इट क्लियर? तो ही शुड स्विम एट दिस एंगल सच दैट दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी अलोंग दिस वेक्टर, कंफर्म? इसको ऐसे भी समझो बच्चों, इसको ऐसे स्विम करना है कि इसका जो वेलोसिटी इधर होगा, मैन का जो इधर स्विम कर रहा है इसका मेन रीजन कि इसका एक वेलोसिटी इधर है और ये इसलिए है टू नलिफाई दिस रिवर्स वेलोसिटी, रिवर्स फ्लो, रिवर जो चाह रहा है कि इधर ले जाए मैन, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इसको नलिफाई करे, दैट मीन्स वी एम आर साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, वी आर जी के, इज इट क्लियर? इसका मतलब इसको किस एंगल पे स्विम करना चाहिए, इस डायरेक्शन से साइन थीटा इज इक्वल टू करना चाहिए क्या, इतने एंगल पे स्विम करना हो साइन थीटा का वैल्यू ये होना चाहिए, देखो इस डायग्राम में भी देख लो, नहीं तो ये डायग्राम से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, परपेंडिकुलर अपॉन, और ये जो वीएमजी है ये कुछ और नहीं देखो वीएमआर कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इतना है तो या तो कॉस थीटा यहां पुट कर दो या इस डायग्राम से भी देख सकते हो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो वीएमजी जो है वो इतना है, कॉस थीटा का वैल्यू पुट करोगे या ट्रायंगल से ऐसे देखिए इस ट्रायंगल से भी दिख रहा,
मैंने ये डायरेक्टली ट्रायंगल से लिख दिया बच्चों, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। अब मैं किसी से पूछूं कि तू जस्ट क्रॉस अ कोई पॉइंट, टू क्रॉस इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? He should swim at this much angle. How much time it will take to cross the river? ऐसे लिखो या थीटा यहां से पुट करोगे तो उससे बेहतर हमने निकाल ही लिया है, तो W upon VMR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर का रूट। बोलो यहां तक क्लियर? तो टू क्रॉस एट अपोजिट पॉइंट पे है, या इसी को कह सकते हैं टू हैव जीरो ड्रिफ्ट। टू हैव जीरो ड्रिफ्ट, या इसको कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है या बुक में लिखा रहेगा टू क्रॉस थ्रू मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ। रिवर को क्रॉस करना थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, ये सारे लैंग्वेज बुक में लिखा था। शॉर्टेस्ट का मतलब ये ऐसे चला गया, अदरवाइज इधर जा रहा था या इधर जाता। तो ये कंडीशन है बच्चों, इसको लिख लो पूरा। तो शॉर्टेस्ट पाथ का ये मेथड था टू हैव जीरो ड्रिफ्ट। या ये इसका जो पहला केस डिस्कस किया था उस केस को देखते हैं। देखो इस केस में इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो W अपॉन इसका ये कंपोनेंट VMR cos theta है ना। तो इस जैक्सन का स्पीड कम हो जाएगा बच्चों, VMR इधर है तो इधर कंपोनेंट कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। सबसे कम टाइम कब लगेगा? सबसे कम टाइम जब इस जैक्सन का वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो। इज इट क्लियर? सबसे कम टाइम कब लगेगा? When velocity in this direction is maximum. और वो कब होगा maximum? When it will be maximum? When he will swim in this direction only. When he will swim in this direction, तो VMR पूरा इधर ही है। तो जो पहला केस था उसको कह सकते हैं कि that is case of shortest time. Yes sir. Example लेने के बाद वो समझाया तो ज्यादा बेहतर समझ में आए, इसलिए मैंने वहां लिखा है। तो उसको लिख लो फर्स्ट केस में कि दिस इज केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम, लीस्ट टाइम वाला केस है, सबसे जल्दी क्रॉस करना है रिवर को। आपने क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा पहला केस जो डिस्कस किया था वो शॉर्टेस्ट टाइम का, क्योंकि अक्रॉस द रिवर सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसी केस में था, बिकॉज मैं उधर ही स्विम कर रहा था। बाकी केसेस में क्या है, किसी एंगल पे स्विम करेगा तो उसका कंपोनेंट कम होगा। क्लियर? यस सर। नाउ समझना इसको, लास्ट केस आज का, कि मैन को इधर जाना था, यहां से यहां क्रॉस करना था, उसने ऐसे स्विम किया कि इसका जो इधर कंपोनेंट है वो क्या कर लिया, VMR साइन थीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, VRG बैलेंस कर लिया। लेकिन अगर केस ऐसा हो कि VMR जो है वो लेस है और VRG बड़ा है, VRG इज ग्रेटर देन VMR, अब बताना
क्या VMR ही VRG से छोटा है, तो VMR sin थीटा तो छोटा ही होगा ना, तो कभी इक्वल हो सकता है क्या? sin थीटा तो लेस देन वन है, तो क्या इसका कंपोनेंट कभी VRG को बैलेंस कर पाएगा? थीटा बढ़ाना पड़ेगा। थीटा से क्या होगा, VMR कोई भी थीटा ले लो, sin थीटा तो लेस देन वन ही होगा ना, मैक्सिमम वन होगा। जब VMR ही लेस है VRG तो ये तो लेस ही होगा ना। यस। तुम्हारा एक कंपोनेंट, यस सर, तुम्हारा वेलोसिटी रिवर्स से कम है, तुम्हारा कंपोनेंट का तो रिवर्स से कम ही होगा। दैट मींस कि जो हम बात कर रहे थे कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या कभी जीरो वेलोसिटी हो सकता है अलोंग द रिवर? इवन ये इधर भी स्विम करना शुरू कर देगा तो भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज VRG पड़ा तो भी इधर ड्रिफ्ट होगा। तो अगर ऐसा केस है देन जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल सर। फिर केस थ्री तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, केस थ्री नहीं हो पाएगा। कब नहीं हो पाएगा? केस थ्री कब वैलिड होगा? VMR sin theta is equal to VRG. VMR is greater than VRG. तो अब हम केस ले रहे हैं, नया सिचुएशन ले रहे हैं कि अगर VRG greater than VMR है तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, ड्रिफ्ट विल बी इनएविटेबल, होगा ही होगा। अगर तुम क्रॉस करोगे तो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे क्रॉस कर जाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी कितने भी एंगल पे स्विम करो रिवर के फ्लो को नलीफाई नहीं कर पाएगा। सो नेट वेलोसिटी कुछ इधर हो जाएगा, यू विल क्रॉस ये, है ना, क्लियर? तो देखते हैं बच्चों, सपोज ये थीटा एंगल पे स्विम करना शुरू किया तो क्या होगा रिजल्ट, तो बताना बच्चों इस केस में टाइम कितना लगेगा अगर ऐसा केस है तो? और वैसे W अपॉन इस केस में बताओ VMR sin theta, VMR cos theta, cos theta, वो देवेंद्र बोलो, इसका ये कंपोनेंट ना बच्चों, ड्रिफ्ट बताना है तो सबसे पहले अलोंग द रिवर बताना वेलोसिटी। इस केस में अलोंग द रिवर कितना है, VRG इधर है और VMR sin theta, VMR sin theta। जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, मुझे लगता है सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं, यहां प्लस लिखूं या माइनस, VRG इधर, VMR sin theta इधर, net velocity minus होगा, minus, बहुत बड़ी अपेक्षा, तो इतना हो गया net velocity, तो drift कितना हो जाएगा, velocity into time, बता ये formula clear, velocity into time। यहां तक क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर या नहीं?
ड्रिफ्ट का। यस अच्छा बता सर्व एंगल। हाँ बोलो सर, वो जो दोनों के बीच में एंगल होगा 90 हो सकता है क्या? जो मतलब उसको जिस तरफ वी वी ऑफ एमआर था उससे और वो जहां गया उसमें 90 डिग्री हो, वो 90 डिग्री हो सकता है, क्यों हो सकता है? दैट डिपेंड्स अपॉन दिस, दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, हो सकता है। ठीक है, सो मैंने मुझे ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर चाहिए, तो हमें ये ऐसे देखने की जगह पे इसको ना दो पार्ट में देख लो, इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, ठीक है ना, रिजॉल्व करके देखो ज्यादा अच्छा है। तो हमने रिजॉल्व करके देखा, ये हो गया वेलोसिटी इस डायरेक्शन का नेट, मतलब ये वाला हो गया, क्योंकि ये हो गया इतना और ये इतना ज्यादा। नाउ अगर मैं बात करूं कि ये जो ड्रिफ्ट है वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि किस एंगल पे हम स्विंग कर रहे हैं, थीटा, एल इज फंक्शन ऑफ थीटा, इज इट क्लियर? डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट ड्रिफ्ट होगा, जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये सवाल हो सकता है कि हम कम से कम ड्रिफ्ट हो, कितने एंगल पे स्विंग करें? तो क्या केस हो जाएगा बच्चों, फॉर व्हाट थीटा man should suffer least या minimum drift? okay sir, simple सा है, l function of theta है, maximum minimum के लिए dl by d theta should be zero, that means देखो ये तो constant है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वी आर जी, sec थीटा का क्या होता है, sec थीटा into tan थीटा माइनस वी एम आर, tan थीटा का क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा, इज इट क्लियर? ये कांस्टेंट रहने देते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां से tan थीटा में ना sin थीटा बाय cos थीटा है, तो ये sec स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, sec स्क्वायर थीटा कॉमन वी आर जी, यहां बचेगा बच्चों साइन थीटा माइनस यहां sec स्क्वायर थीटा कॉमन, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, और यहां से मैं इधर लिख रहा हूं, जगह नहीं उधर है, इसलिए दिस इंप्लाइड वी आर जी साइन थीटा माइनस वी एम आर इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया वी एम आर अपॉन वी आर जी। देखो बच्चों वी आर जी बड़ा है वी एम आर से, ये लेस देन वन है, ये करेक्ट है, लेकिन जीरो ड्रिफ्ट वाला केस में तुम देखते थे कि वी आर जी का जो कंपोनेंट था वी आर जी का, वो वी सॉरी वी एम आर का जो वी आर जी को बैलेंस करता था, तो साइन थीटा होता था वी आर जी अपॉन वी एम आर। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, ये जीरो ड्रिफ्ट का केस था, तो अगर वी आर जी बड़ा है वी एम आर से तो ये मोर देन वन हो जाएगा, मतलब साइन थीटा मोर देन वन पॉसिबल ही नहीं है, तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल ही नहीं है अगर वी एम आर वी आर जी बड़ा है वी एम आर से, तो जीरो ड्रिफ्ट नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे बच्चों कि ड्रिफ्ट कम से कम क्या हो, और ड्रिफ्ट कम से कम होने के लिए ये कंडीशन आ गई, इज इट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, और पूछेगा आपको कि एल मिनिमम है कितना, कहोगे सर एल का जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया वी आर जी माइनस वी एम आर साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आप पुट कर दो, यहां पे इंटू डब्ल्यू अपॉन वी एम आर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा इतना है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा वन माइनस, ये कैलकुलेशन है, डोंट वरी अबाउट दिस कैलकुलेशन, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं, यू कैन डू बाय योरसेल्फ, नो नीड टू लुक एट माय कैलकुलेशन।
सिर्फ फाइनल आंसर मिला लेना। तो एल एमएम मतलब मिनिमम क्या? हाँ एल मिनिमम, मिनिमम ड्रिफ्ट का भी केस डिस्कशन किया ना। तो इतना हो जाएगा। क्लियर? सर वो जो एरो दिया है।